कि 30 साल के बाद देश की जनता ने किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है और उसी पूर्ण बहुमत के आधार पर श्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बनकर देश को आगे ले जा रहे हैं। और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को अगर पूर्ण बहुमत मिला है तो वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है और उसके बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव आए, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है। 4 में से 3 जगह पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आज शपथ ले चुका है और 4थी जगह की तैयारी चल रही है। मित्रों, इस 7 फरवरी को दिल्ली के लोग जब फैसला करेंगे तब ये तय होगा कि आने वाले 5 साल के लिए दिल्ली का शासन किस पार्टी के हाथ में होगा, किस व्यक्ति के हाथ में। मुकाबला 3 पार्टियों के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी। मैं पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है और इसलिए जहां जहां देश में भारतीय जनता पार्टी चुनकर आती है वहां बार बार भारतीय जनता पार्टी ही फिर से चुनकर आती है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, 5 बार भारतीय जनता पार्टी को जनता का आदेश मिला है। मध्य प्रदेश में चुनाव जीते, 3 बार चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीते, 3 बार सरकारें बनी, गोवा में, राजस्थान में हम चुनाव जीते, 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। 2014 के लोकसभा के चुनाव के अंदर भी जब भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब जनता के बीच में जाते थे तब हमने कुछ वादे किए, कुछ समस्याओं का समाधान बताया था और कुछ चीजों को भी लोगों को करने का वादा किया।